ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष हाजी वकी रशीद को मिली फोन पर धमकी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष हाजी वकी रशीद को फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी। अज्ञात व्यक्ति ने हाजी वकी रशीद एडवोकेट के धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि फेसबुक पर कुछ लिखते हो तो आगे देख लेना, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष ने अपने संबंधित थाना कटघर पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि हाजी वकी रशीद ने अमेरिका में एक मुस्लिम महिला पत्रकार को अवार्ड मिलने की पोस्ट वायरल की थी, जिसको लेकर उस अज्ञात व्यक्ति ने एमएम के मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष को धमकी दी है। जी वकील रशीद साहब, कल आप कटघर थाने पहुंचे थे, किस संबंध में तहरीर थी, क्या मामला था? देखिए, कल जो है एक कॉल आई थी रात हमारे पास शाम के करीब, तो वो उसकी लैंग्वेज बहुत ख़राब थी और कुछ धमकाने की तरह से बात कर रहे थे। तो वो नंबर मेरे पर्सनल मोबाइल पर आया था फ़ोन, तो उसके लिए हमने सूचना दी पुलिस को और पुलिस ने हम कहा कि आप तहरीर लिख के दीजिए, हम इस पर जाँच करेंगे। किस संबंध में वो धमकी वमकी दी थी, क्या क्या डाला था आपने? एक बहुत प्रेस्टिजियस जो हैं पत्रकार हैं भारत की, राना अय्यूब साहिबा, तो उनको अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक जर्नलिज्म का बहुत बड़ा अवार्ड मिला है उन्हें, जो अमेरिका में बहुत प्रेस्टिजियस है। तो उनको हमने बताई दी थी कि एक भारतीय नागरिक को इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो उसी के में उन्होंने जो है नाराज़ हो गए, वो उन्होंने फ़ोन किया हमें, तो कहने लगे तुम मजलिस के, वो पता चल जाएगा। तो तहरीर दे दिया आपने, कार्रवाई पुलिस दी है फ़ोन करके? कोई बात आपको धमकी वमकी क्या? हाँ, वो बस ये कह रहे थे कि तुम्हारी कौम की बेटी है, इसको ये करवाओ, उसको वो करवाओ, लैंग्वेज ख़राब थी, तो वो हमने सब सूचना पुलिस को दे दी है सारी, उसमें जांच कर रहे हैं उसमें। ठीक।